हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए लाई हूँ मी की बेडिंग का रिव्यू मैंने अपने बच्चे के लिए ये बेडिंग उन्नीस सौ पचास में मी एंड मॉम स्टोर से ख़रीदी थी ये जो बेडिंग है ये मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि मॉस्क्यूटो से बचने के लिए मैं अपने बच्चे को कोई भी केमिकल इस्तेमाल उसके साथ नहीं करना चाहती थी मैं ना ही कोई फैब्रिक रोल ऑन यूज़ करना चाहती थी ना मैं कोई बॉडी रोल ऑन जेल यूज़ करना चाहती थी ना ही मैं ऑल आउट यूज़ कर सकती थी इसलिए मैंने ये बेडिंग ली इसमें मॉस्किटो नेट है और ये जो बेडिंग है ये बहुत ही पोर्टेबल है जैसे कि आप देखते हैं मैंने इसे फोल्ड कर दिया और ये ऐसे इतनी जगह में आ जाएगी और इसके साथ ही इसका बैग भी आता है प्लास्टिक का आप उसमें पैक कर लीजिए फिर चेन लगा दीजिए और उसमें हैंडल्स होते हैं आप उस को लेकर कहीं भी जा सकते हैं गाड़ी में भी रख के कहीं भी ले जा सकते हैं आप उसे तो इस बेडिंग के साथ में ऐसे एक प्लास्टिक की शीट आती है और ऐसे तीन बेड कवर्स आते हैं तीन ऐसे बेड कवर्स आते हैं इस बेडिंग इस देखिए प्लास्टिक शीट में ऐसे बटन्स लगे हुए हैं चारों तरफ लगे हुए हैं यहाँ भी लगा हुआ है देखिए यहाँ भी लगा हुआ है और ये यहाँ भी लगा हुआ है इन बटन से क्या होता है बेडिंग में भी ये बेड कवर में भी ये बटन है और प्लास्टिक कवर में भी ये बटन है इससे क्या होता है कि आप इसको जब बंद कर देंगे तो ये आपस में चिपक जाएंगे जब आप इसको इस पर ऐसे बिछा सकते हैं अब अगर बच्चा इस पर पी करेगा बाथरूम सुसु कर देगा तो बेड बेड जो है वो गंदा नहीं होगा सिर्फ ये गिली होगी और ये भी बहुत जल्दी ही सूखने वाला मटेरियल है इसके अंदर स्पंज है ऊपर कॉटन लेयर्स हैं अंदर स्पंज बहुत जल्दी ये सूखता है और जो शीट है वो इस बेड को प्रोटेक्ट करेगी इसी के साथ में इसका ये पिलो आता है देखिए यहाँ पे खाली जगह है काफ़ी ये दबी हुई जगह है बाकी यहाँ पे कॉटन भरा हुआ है यहाँ पे दबी हुई जगह है आप इस तकिया को यूज़ करिए अपने बच्चे के लिए क्योंकि इससे बच्चे के सिर को गोल रखने में बहुत मदद मिलती है लोग राय के तकिए की भी सलाह देते हैं लेकिन मैं आपको वो सलाह नहीं दूँगी क्योंकि राय के तकिया जो होता है वो ठीक नहीं है बच्चों के लिए राय बहुत गर्म होती है और मैं नहीं सोचती कि, कि किसी भी बच्चे के सिर के पास कोई गर्म चीज़ हमें इस तरह से रखनी चाहिए तो आप देख रहे हैं ये जो ये जो नेट है इसे मैं आपको बंद करके दिखाती हूँ अभी ये देखिए ये नेट मैंने बंद कर दिया है अंदर बच्चा ऐसे सोता रहता है उसे मच्छर नहीं लगते और ब्रैथेबलिटी भी है नेट से हवा आती जाती रहती है और चूँकि मैं ओडोमॉस या कुछ भी ऑल आउट वग़ैरह यूज़ नहीं कर रही हूँ अपने रूम में अपने बेबी की वजह से तो मैं ये एक ऐसा ऐसा मॉस्क्यूटो नेट रखती हूँ इससे मैं शाम को सारे मच्छर मार देती हूँ उसके बाद में हमें किसी भी ऑल आउट या किसी भी केमिकल रिपेलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती सो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए मेरे इस वीडियो को शेयर करिए लाइक करिए और कमेंट करिए थैंक यू